हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले की सब्जी, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मेरी इसी तरह की नई रेसिपीज की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब काबुली चना लिया है। इसे मैंने रात भर भिगा के रखा था पानी में। हमें इसे कुकर में पका लेना है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चुटकी भर खाने वाला सोडा और थोड़ी सी हल्दी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। कुकर में हम 4 सीटी आने देंगे और उसके बाद धीमी आंच पर इसे 2 मिनट तक और पका ले। अब बढ़ते हैं मसाले की तैयारी की तरफ। एक पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच। जैसे ही तेल गरम हो जाए मैं इसमें डालूंगी 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्ची को स्लाइस करके डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को तेल में डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच छोले मसाला पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का छोले मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। इस मसाले को हमें इसी तरह 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। आपको मसाले को कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि वो नीचे बर्तन में चिपके ना। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि ऑयल मसाले से सेपरेट हो गया है और मसाले का कलर भी चेंज हो गया है पहले से। यहाँ पे हमारे चने भी पक चुके हैं। देखिए ये कितने आसानी से मैश हो जा रहा है। अब हम इसे मसाले में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें थोड़े से छोलों को मैश करना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आपने ज़्यादा छोले मैश कर दिए तो उसकी टेस्ट ओवरपावर हो जाएगी और मसालों की टेस्ट कम आएगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि कम छोले मैश कीजिए ताकि छोले और मसाले दोनों की टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाला है। जैसे ही पानी में 1 उबाल आ जाए हम इसे प्लेट से ढक देंगे और धीमी आंच पर इसे 5 मिनट तक पका लें। छोले बिल्कुल तैयार है। इसे गार्निश करें धनिए के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।